रविंद्र जडेजा की अगुवाई में गेंदबाजों के उम्दा प्रदर्शन से बांग्लादेश की पारी को ध्वस्त करने के बाद भारत ने दूसरे क्रिकेट टेस्ट के पांचवें और अंतिम दिन 7 विकेट से जीत दर्ज करके दो मैच की श्रृंखला में मेहमान टीम का 2-0 से सुपड़ा साफ किया और ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WTC तालिका के शीर्ष पर अपनी स्थिति और मजबूत कर ली। भारत ने स्वदेश में लगातार 18वीं टेस्ट श्रृंखला जीतकर अपने ही रिकॉर्ड में सुधार किया। इस जीत से WTC तालिका में शीर्ष पर मौजूद भारत के 11 मैच में 8 जीत 2 हार और 1 ड्रॉ से 98 अंक हैं, जो 74.24% अंक होते हैं। ऑस्ट्रेलिया 12 मैच में 8 जीत 3 हार और 1 ड्रॉ से 90 अंक से 62.50% अंक जुटाकर दूसरे स्थान पर है। बांग्लादेश के 95 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने यशस्वी जायसवाल 51 रन 45 गेंद 8 चौके 1 छक्का और विराट कोहली नाबाद 29 37 गेंद 4 चौके के बीच तीसरे विकेट की 58 रन की साझेदारी की बदौलत 17.2 ओवर में 3 विकेट पर 98 रन बनाकर आसान जीत दर्ज की। भारत ने कप्तान रोहित शर्मा 8 और शुभमन गिल 6 के विकेट जल्दी गंवा दिए थे। इससे पहले भारत के लिए जडेजा 34 रन पर 3 विकेट, जसप्रीत बुमराह 17 रन पर 3 विकेट और रविचंद्रन अश्विन 50 रन पर 3 विकेट ने 3-3 विकेट चटकाए, जबकि आकाशदीप 20 रन पर 1 विकेट ने 1 विकेट हासिल किया, जिससे बांग्लादेश की टीम दूसरी पारी में 47 ओवर में सिर्फ 146 रन पर सिमट गई।